वैशाली शेट्टी और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। दिल्ली में इस बार डेंगू से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है मलेरिया। बारिश का इंतजार कर रही दिल्ली में इन दिनों डेंगू से ज्यादा खतरनाक मलेरिया साबित हो रहा है। सोमवार को एमसीडी की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में डेंगू से ज्यादा लोग मलेरिया के शिकार हो रहे हैं। मलेरिया की किस तेजी से दिल्ली वालों को अपना शिकार बना रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महज एक हफ्ते में मलेरिया के 11 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद दिल्ली में मलेरिया के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 40 तक जा पहुंची है। आजाद भारत का सबसे खुफिया कानून बना मिस्सा, 1,00,000 लोग हुए थे अरेस्ट। केंद्र में सत्ताधारी दल बीजेपी आपातकाल के बहाने विपक्षी दल कांग्रेस को घेरने में लगी है। जून 1975 में लगाया गया आपातकाल शायद कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी, जिसका दंश आज तक पार्टी झेल रही है। इस दौरान लगाए गए मिसा कानून के तहत विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल में डाल दिया गया, जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद तक शामिल थे। मिसा कानून साल 1971 में लागू किया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल आपातकाल के दौरान कांग्रेस विरोधियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डालने के लिए किया गया। मिसा यानी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम में आपातकाल के दौरान कई संशोधन किए गए और इंदिरा गांधी की निरंकुश सरकार ने इसके जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने का काम किया। मोरक्को से ड्रॉ खेलकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा स्पेन। स्पेन और मोरक्को के बीच फीफा विश्व कप के 21वें संस्करण में कलिंग्र स्टेडियम में खेला गया ग्रुप बी का बेहद रोमांचक मुकाबला नाटकीय अंदाज में 2-2 के बराबरी पर समाप्त हुआ। स्पेन ने अपने ग्रुप में 3 मैचों में 2 ड्रॉ और 1 जीत के साथ 5 अंक हासिल किए और अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। टीम इंडिया के साथ अर्जुन ने किया अभ्यास, शास्त्री ने दिया टिप्स। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में अपने पहले ट्रेनिंग सत्र में हिस्सा लिया, लेकिन लोगों की निगाह क्रिकेट के महानायक सचिन तेंदुलकर के बेटे पर रही, जिन्होंने विराट कोहली की टीम के लिए आयोजित किए गए नेट सत्र में हिस्सा लेते हुए गेंदबाजी की। भारतीय टीम के कोच रवि शास्त्री ने 18 साल के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को कुछ गुण भी सिखाए। अर्जुन को जुलाई में श्रीलंका के दौरे पर जाने वाली भारत की अंडर 19 टीम में चुना गया है। उन्हें श्रीलंका में खेले जाने वाले 2-4 दिवसीय मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है। मेजर निखिल हंडा को नहीं सेलजा की कोई हत्या का पछतावा, हंसता रहा कोर्ट में। अपने साथी आर्मी ऑफिसर की पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार मेजर निखिल हंडा के बारे में जो बातें सामने आ रही है, उससे लग रहा है कि निखिल शातिर किस्म का व्यक्ति था। पुलिस ने निखिल हांडा को आज पटियाला हाउस कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान भी निखिल के चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आई, पछतावे का कोई संकेत नहीं मिला। उल्टे वह इस दौरान भी कई बार मुस्कुराता रहा, कई बार हंसा भी। इस बीच पुलिस ने निखिल हांडा से जुड़े एक और राज से पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने बताया कि शादीशुदा निखिल का ना सिर्फ अपने साथी आर्मी ऑफिसर मेजर अमित द्विवेदी की पत्नी शैलजा के साथ बीते 3 वर्षों से अफेयर चल रहा था, बल्कि दिल्ली में उसकी एक और गर्लफ्रेंड है। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए तहलका न्यूज़।